मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों के स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कैडमिल 500 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे क्या नुकसान है, इसमें आपको जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह प्रोडक्ट एंजिना को रोकने के लिए यूज किया जाता है और इसी के साथ साथ दोस्तों एंजिना को ठीक करने के लिए यह प्रोडक्ट काफी फायदेमंद है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एंजिना अटैक होने पर हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से छाती में दर्द होने लग जाता है। इस स्थिति में डॉक्टर आपको इसको दिलवाने की सलाह दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों शरीर में ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है यह प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हृदय तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। एंजिना को ठीक करने के लिए यह प्रोडक्ट यूज किया जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों डॉक्टर आपको इसको एंजिना को रोकने के लिए भी यूज करवा सकता है। दोस्तों अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे इसके कुछ अभी तक साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी सामान्य तौर पर आपको ये मिल सकते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर कम होना, दिल की धड़कन तेज होना, हाथों पैरों में जलन सी महसूस होना या फिर हाथों पैरों में सुई सी चुभना। ये कुछ इसके सामान्य साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जान है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों ये थी कैडमिल 500 mg टैबलेट की फुल इंफॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप मार्शल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जाते ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।